और वहीं आज राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जनसुनवाई का कार्यक्रम है। सीएम अशोक गहलोत अपने आवास पर जनसुनवाई करेंगे। सीएम गहलोत होंगे लोगों की समस्याओं से रूबरू और अपनी समस्याओं को लेकर लोग सीएम के हाउस पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जनसुनवाई का कार्यक्रम है। लोग दूर दराज से अपनी समस्याओं को लेकर सीएम हाउस पहुंच रहे हैं। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत आज आम जनता की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करेंगे। सीएम अशोक गहलोत आज सभी लोगों से उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे और साथ ही उनका समाधान निकालेंगे। सीएम के आवास पर आज जनसुनवाई का कार्यक्रम है, जिसमें दूर दराज से लोग अपनी समस्याओं को लेकर सीएम हाउस पहुंचेंगे। और इसी खबर पर हमें अपडेट करने के लिए वन संवाददाता पिंटू सिंह नरूका हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। पिंटू, आज सीएम हाउस पर जनसुनवाई का कार्यक्रम है और दूर दराज से लोगों की पहुंचने की पूरी संभावना है, क्या कुछ कार्यक्रम है? और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, वही नजारा एक बार फिर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसके थोड़े दिन बाद ही आचार संहिता लागू हो गई थी। इस दौरान गहलोत सरकार ज्यादा कुछ कर नहीं पाई, लेकिन जैसे ही आचार संहिता आती है और सीएम गहलोत जो मुख्यमंत्री को जो आवास आवंटित होता है सिविल लाइन 8 के नाम से जो आवास है, वहाँ वो कल ही शिफ्ट हुए और कल शिफ्ट होने के बाद आज से उन्होंने जनसुनवाई का जो कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया है। और आज सुबह से ही प्रदेश भर से जो लोग हैं जिनकी जो समस्याएं हैं वो लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तमाम जो सीएमओ के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर उनके साथ बैठे हैं और जो भी उनकी जो समस्याएं हैं उनको इंगित किया जा रहा है। उनकी समस्याओं को सुनकर जो तमाम जो संबंधित अधिकारी है उनको फोन लाइन के माध्यम से उनको उनकी समस्याओं का समाधान करवाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। और कई ऐसे मामले हैं जो कर्मचारी संगठन है वो भी आज यहाँ पर अपनी मांगे लेकर पहुंचे थे कि उनकी साथ क्या दिक्कतें हो रही है, क्या समस्याएं हैं और उनका निवारण किया जाए। कहीं कुछ लोग जिनके साथ कोई पोस्टिंग की दिक्कत है, कोई अतिक्रमण का मामला है या कोई फर्जी धोखाधड़ी का मामला है, ये तमाम जो समस्याएं हैं वो लेकर यहाँ पर पहुंचे। और अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और समाधान के लिए दिशा निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं। जी जी पिंटू, जिस तरह से आपने बताया कि तमाम समस्याएं आज सीएम के सामने जनता रखेगी, जिस तरह से अतिक्रमण का हो या अन्य कोई मामला हो, लेकिन जिस तरह से लगातार प्रदेश भर में गर्मी बढ़ती जा रही है, तो आज पूरी संभावना है कि जब दूर दराज से गांव से या जहां कहीं से भी राजस्थान से लोग आएंगे, सबसे ज्यादा जल संकट इस जनसुनवाई में उभर कर आएगा। तो इस पर क्या लगता है पिंटू कि आज प्रदेश के मुखिया इस पर किस तरह से समाधान करेंगे? जो मामले आते हैं वो व्यक्तिगत मामले आते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज से लेकर पीड़ित हो, चाहे वो अतिक्रमण के मामले से हो या कोई कानून उसकी सुनवाई नहीं हो रही हो या किसी विभाग द्वारा उसकी उसकी कोई किसी भी प्रकार की जो उसका कोई काम है उसको अटकाया गया हो, समय पर कार्य नहीं किया गया हो, अतिक्रमण का मामला हो, तो ये जो व्यक्ति विशेष के कार्य होते हैं ये खासकर समस्याएं होती है। बात अगर पेयजल की जाए तो पेयजल को लेकर अशोक गहलोत हाल ही में 2 दिन पहले उन्होंने पीएचईडी विभाग की बैठक ली थी और तमाम दिशा निर्देश दिए थे कि किसी भी प्रकार से प्रदेश में पेयजल की किल्लत नहीं होनी चाहिए, वो लगातार गंभीर है। और हर एक विभाग की अलग अलग और खासकर पीएचईडी की, खुद अशोक गहलोत अपने स्तर पर जो पीएचईडी मिनिस्टर है, पीएचईडी डिपार्टमेंट के विभाग के जो लोग हैं उन सबको एक सचिवालय में बैठक करके उनको दिशा निर्देश दिए थे कि किसी भी प्रकार की प्रदेश में पेयजल आपूर्ति की कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आज जो जनसुनवाई है वो खासकर व्यक्ति विशेष जो लोग हैं वो अपनी अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं। कोई किसी से पीड़ित है, कहीं कानून की सुनवाई नहीं हो रही है, कोई पुलिस से प्रताड़ित होता है या कोई नौकरी से प्रताड़ित होता है या कोई अतिक्रमण का वो होता है, तमाम जो विषय होते हैं जिनको जिनकी थाने तहसील में सुनवाई नहीं होती है वो यहाँ पर मामला लेकर पहुंचते हैं। कहीं कहीं की किसी की नौकरी लग जाती है लेकिन उसको जो उसको पदोन्नति नहीं मिलती है, ऐसे कई मामले हैं जो लगातार पीड़ित है, काफी दिनों से उनकी विभागों में सुनवाई नहीं हो रही है, जो वंचित है उनका यहाँ पर समाधान आज किया जा रहा है। जी पिंटू, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज इस जनसुनवाई में व्यक्ति विशेष की समस्याओं को सुनकर सीएम अशोक गहलोत उनका समाधान निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, तो आज सीएम हाउस पर यह कार्यक्रम की शुरुआत होगी।